हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। इस तरह की आसान और नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल खुशी रेसिपी पर जाएं और वीडियो को पूरा देखें। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मेजरिंग कप से एक कप सूजी हम बाउल में डाल देंगे। मैंने बारीक वाली सूजी ली है, आप मोटी सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक चौथाई कप दही डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो दही और नमक को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू का रस आपको ज़्यादा क्वांटिटी में डालना होगा। तो मैंने दही को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। सूजी से बने नाश्ते की रेसिपी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने सूजी से बनी बहुत सी रेसिपियाँ शेयर की हैं, जिन्हें मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है और इस तरह से बैटर तैयार कर लिया है। तो बैटर को हम कवर कर देंगे। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम एक चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। तो तेल भी गर्म होने लगा है। अब इसमें हम आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे। दालों को हम तड़का लेंगे। तो आप देख सकते हैं दाने तड़कने लगे हैं। अब इसमें हम एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को चलाते हुए भून लेंगे। तो प्याज भी भून गया है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। तो मसालों को चलाते हुए एक मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले भी भून गए हैं। अब इसमें हम एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक चम्मच टमाटर सॉस डाल देंगे। मसाले और सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने ये दो बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलूओं का छिलका उतार कर इन्हें मैंने मैश कर लिया है। आलू भी हम मसाले में डाल देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप इस तरह से स्टफिंग बनाकर रेडी करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता है। सभी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है। अब इसमें हम आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। चाट मसाला पाउडर डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो स्टफिंग बनकर रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। सूजी जो थी वो अच्छे से फूल चुकी है। सूजी ने पानी एब्जॉर्व कर लिया है तो ये गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे, थोड़ा पानी और डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बैटर तैयार कर लिया है। अब हम गैस की ओर चलते हैं। गैस पर मैंने एक तवा रखा है। तवे में हम आधा चम्मच तेल डालेंगे, तेल को गर्म कर लेंगे। तेल भी गर्म होने लगा है। अब इसमें हम एक चौथाई चम्मच राई डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे, एक चौथाई चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। तो दाने तड़कने लगे हैं। अब इस तड़के को हम तवे पर फैला देंगे। हमने जो बैटर तैयार किया था उसे हम तवे पर फैलाएंगे। तो एक चम्मच समथिंग बैटर हम तवे पर डालेंगे और इस तरह से इसे फैला देंगे। तो इसी तरह से हम तवे की एक और साइड बैटर को फैला देंगे।
अब इसे हम 2 मिनट तक कवर करके पकने के लिए छोड़ेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे। तो जो नाश्ते की शीटें हैं वो अच्छे से पक चुकी है, अब इन्हें हम पलट देंगे और पलट कर इसे हम 1 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे। साथ ही में इसे हम कवर भी कर देते हैं। तो 1 मिनट हो गया है, हम ढक्कन हटा लेंगे। हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी, मैंने उसकी इस तरह से टिकिया बना ली है। तो टिकिया को हम शीट के ऊपर रख देंगे और दूसरी वाली सीट को हम टिकिया के ऊपर रख देंगे। तो इसे दबा दबा कर दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस नाश्ते को रेडी कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए बैटर से इसी तरह से नाश्ता रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस नाश्ते को रेडी कर लिया है। तो इसे आप टमाटर सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार इस नाश्ते को जरूर बनाकर देखें, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।